Λίγο από. Δεν λίγο. Benzoic acid. Benzoic acid. इसकी प्रिपरेशन अपन लोग बाद में देख लेंगे अभी है ना सर, ये आप रिएक्शंस लिखाने वाले हो क्या? हाँ जी, बेंजोइक एसिड एक पेज से ज्यादा लगेगा, एक पेज में हो जाएगा पूरा टेबुलर फॉर्म में ना, मतलब चैप्टर का नाम है क्या? हाँ जी, लिखो बेंजोइक एसिड लेना। इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड मेल्टिंग पॉइंट 120 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट 120 डिग्री सेल्सियस, लिख लिया सर? व्हाइट, यस सर, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड मेल्टिंग पॉइंट है 120 डिग्री सेल्सियस, लेना। यूज्ड एज मेडिसिन, यूज्ड एज मेडिसिन, ब्रैकेट में लिखना यूरिनरी एंटीसेप्टिक, यूरिनरी एंटीसेप्टिक। एक और पढ़ा था यूरिनरी एंटीसेप्टिक, क्या था? यूरोट्रोपिन, यस सर, यस सर। यूरोट्रोपिन का एक और नाम बताया था यदि याद हो तो, दैट इज नोन एज हेक्सामिन, याद है क्या? यस सर। चलो बहुत बढ़िया, लिखना आप लोग यूज एज अ मेडिसिन, ब्रैकेट में क्या लिखा आप लोगों ने? यूरिनरी एंटीसेप्टिक। नेक्स्ट पॉइंट लिखना आप, नेक्स्ट पॉइंट लिखना आप सर। हाँ जी सर, मुझे पूछना था, कल का डाउट था पर मैं कल एब्सेंट था, मतलब आया नहीं था। सोडियम बेंजोएट इज यूज्ड, नेक्स्ट पॉइंट है। हाँ जी, सोडियम बेंजोएट इज यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव, सोडियम बेंजोएट इज यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव इन केचप एंड पिकल, इन केचप एंड पिकल। हाँ जी, यूज द फूड प्रिजर्वेटिव इन सर, यूरोट्रोपिन में स्टेरिक एंड्रेंस नहीं होता क्या? अभी बाद में बात करेंगे, ठीक है सर? ठीक है, नेक्स्ट ना आप लोग, बेंजोइक एसिड आल्सो यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फूड प्रिजर्वेटिव के बाद का रिपीट कर देंगे, इन केचप एंड पिकल। नेक्स्ट, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, तोसित बाबू आ गए है ना, इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिसीज, इज यूज्ड इन स्किन डिसीज, ब्रैकेट में लिखना आप, क्या बोलते इसको बोलो? एक्जिमा, एक्जिमा, एक्जिमा किसको दिए वाले डिसीज? हाँ, किसको थी मतलब? राजू रस्तोगी की पप्पा को याद है क्या? अच्छा हाँ, तो पैरालिसिस किसको, ये वाली डिसीज जो किसको थी? राजू रस्तोगी के पप्पा को हुई थी ना, तो पहले क्या लिखा बोलो? एस ई रिएक्शन लिख लिया क्या? Yes. चलिए शुरू करते हैं अपन लोग, सबसे पहले
नाइट्रेटिंग मिक्सचर, बोलो भैया नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या बनाएगा? मेटा डेरिवेटिव, सिमिलर रिएक्शन, इसलिए साथ में कर रहे हैं अपन लोग आफ्टर बेंजाल्डिहाइड, इट इज नाइट्रो बेंजोइक एसिड। यदि मैंने बोला सल्फोनेशन किया यूजिंग व्हाट, H2S2O7, दैट इज ओलियम, क्या होगा? सल्फोनेशन। सर ये रिएक्शन है ना? हाँ जी, मेटा सल्फो बेंजोइक एसिड। यदि मैंने रिएक्शन कराया हैलोजन से इन प्रेजेंस ऑफ आइदर Fe और जो भी ले लो कुछ भी, बोलो क्या होगा? इट इज अ मेटा हैलो डेरिवेटिव। अरे बोलो सही है क्या? यदि इसका रिएक्शन करा दिया मैंने CH3Cl से इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिएक्शन? रिडलक्राफ्ट। सर वो NM के नाइट्रेटिंग मिक्सचर है क्या? हाँ जी, फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन देगा, यस और नो? हाँ सर। तो नो रिएक्शन। भैया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डू नॉट गिव फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन, डू यू नो अबाउट इट? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। हाँ चलो कुछ और फालतू की रिएक्शन। NaOH plus CaO के साथ में गर्म कर दो, क्या बनेगा? बेंजीन। बेंजीन। नेम ऑफ द प्रोसेस क्या बोलते इसको? डीकार्बोक्सिलेशन। डाउ प्रोसेस, सही है क्या? यस सर। अरे बोलो, डाउ प्रोसेस बोलते हैं? अरे डाउ से तो अपन लोग फिनोल बनाते थे क्लोरोबेंजीन से यूजिंग NaOH और KOH, 300 डिग्री सेल्सियस 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो ये तो नहीं है, तो क्या बोलेंगे इसको? ड्यूमा प्रोसेस। अब याद आया क्या? हाँ सर। ड्यूमा नहीं आया सर। अलग अलग चीजें ऑलमोस्ट सेम है। इसका रिएक्शन अमोनिया से करा दिया, तो यहां से H और यहां से OH जाएगा, इन दैट केस रिमूवल ऑफ वाटर होगा और ये बनाएगा PHC double bond O, इट इज NH2, दैट इज अमोनिया डेरिवेटिव ऑफ बेंजोइक एसिड। नाम क्या होगा इसका? बेंजामाइड। इसका रिएक्शन PCl5 या फिर SOCl2 से करा दो, OH की जगह पर Cl आएगा, क्या बनेगा? बेंजाइल क्लोराइड। अरे बोलो आए ना, नाम क्या होगा इसका? बेंजाइल के बेंजोइल। 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 चलो बहुत बढ़िया, और लेके आते कुछ रिएक्शन। रिएक्शन कर दिया RMGBR ग्रिगनार्ड रिएजेंट, बोलो क्या बनेगा? रिडक्शन कर दिया यूजिंग LaH, पूरा रिड्यूस होगा, क्या बनाएगा? बेंजाइल अल्कोहल। तो वही बोला भाई, बेंजाइल अल्कोहल। रिडक्शन यूजिंग SBH सोडियम बोरोहाइड्राइड, नो रिएक्शन। रिडक्शन यूजिंग सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया, नेम ऑफ द प्रोसेस इज वर्ड्स रिडक्शन। वर्ड्स रिडक्शन, सिमेट्रिकल वाला बनेगा, यदि याद हो तो आपको, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं सिमेट्रिकल बनेगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड बीच में आ गया, इट इज COOH। एक मेरी तरफ से रिएक्शन लिख लो, दैट इज HN3, डू यू नो द नेम ऑफ HN3? दैट इज नोन एज व्हाट? हाइड्रा जो है, इट इज H2SO4।
one of the most popular reaction of benzoic acid, that is known as what? It is a कैटेगरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज नोन एज व्हाट, वोल्फ रीअरेंजमेंट. अभी हम लोग थोड़ी देर से स्टार्ट करेंगे इसको, मतलब आज की क्लास में तो नहीं होगा लेकिन हाँ जल्दी से स्टार्ट हो जाएगा. तो जी ड्यूमा प्रोसेस क्या होता है, हमने नहीं पढ़ा है. डीकार्बोक्सिलेशन बेटा, यूजिंग सोडा लाइम, नाम नहीं पढ़ा आपने, बाकी सब कुछ वही है. नेक्स्ट क्या होगा यदि मैं HCOOH को यूज कर लूं और MNO भी यूज कर लूं और गर्म कर दूं अराउंड 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो मिलेगा दैट इज PH C डबल बॉन्ड O H बेंजाल्डिहाइड. याद है आपको प्रिपरेशन में पढ़ाए थे? हाँ सर. सर Na प्लस BH के नीचे क्या लिखा है? क्या बेटा? डिफरेंस 3. Na प्लस BH के नीचे क्या लिखा है? लिक्विड NH3. काका बोला है सर वो बर्थ रिएक्शन लिक्विड NH3 लिक्विड अमोनिया. हां सर. उसके नीचे वाले में क्या लिखा है? वो HN3 लिखा है क्या? NH3 लिखना है. इज N3H या HN3 दैट इज हाइड्राजोइक एसिड. ठीक है सर. चलो डन भैया. एक मिनट सर. सर जी, सर वो जो आपने डीकार्बोक्सिलेशन वाला लिखा है ना रिएक्शन, वो तो आपने जब एल्किन की प्रिपरेशन कराए थे उसमें तो डाउस प्रोसेस लिखवाया था नाम आपने. किसने बोला? कौन बोला है? अरे बोलो ना कौन बोला है. सर अरहत. अरहत एक बार चेक कर लो यदि मैंने ऐसा कुछ लिखाया था डाउस प्रोसेस, तो वहां पर जाकर करेक्ट कर लो. यदि प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में ऐसा कराया था उसको, दैट इज नोन एज ड्यूमा प्रोसेस. डाउ प्रोसेस तो क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ. हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक मैंने उस टाइम पे कुछ करा दिया होगा जल्दबाजी में. आज ही मैंने जल्दी जल्दी में वही लिख दिया था पहले ना, इसलिए मैंने आपसे पूछा. दैट इज नोन एज व्हाट? ड्यूमा प्रोसेस. न्यूट्रल FeCl3, न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन के साथ में ये देगा बफ कलर PPT. ये क्या होता बफ कलर? पता नहीं सर, मुझे भी नहीं पता. दैट इज ऑरेंज ब्राउन PPT. बफ का मतलब होता है डेजर्ट. लिख दूं क्या? याद रखने के लिए. फिर वो लास्ट रिएक्शन है ना, फिर बैठ जाऊं. चलो तो शुरुआत करते भैया. हाँ भैया देखो प्रतीक्षा कितनी समझदारी वाली बात बोल रही. सर अभी पढ़ते हैं अपन लोग. एक काम करो प्रॉपर तरीके से हेडिंग लिखो, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड. रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड. लिख लिया? हाँ सर. इसे पहला हेडिंग लिखो आप. एलिमिनेशन रिडक्शन आती हो तो छोड़ दो, बोलो. यस सर आती है सर. एक एक रिडक्शन लिखवाते जाइए बस, रिकॉल हो जाएगा अच्छा. रिकॉल एलिमिनेशन रिडक्शन. ब्रिंग दैट 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल भी ये रिएक्शन देते हैं. 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल भी ये रिएक्शन देगी और चाहो तो इधर इट इज लाइक SN1 कैटेगरी, मतलब 1 डिग्री.
तो भैया कैटेगरी समझते हैं अपन लोग. फॉर एग्जाम्पल इट इज सी डबल बॉन्ड ओ और यहां पर हमें यूज करना है इट इज जिंक अमलगम और ये हो गया कंसंट्रेटेड HCl और ये हो गया CH2. तो बेसिकली क्या होता है कार्बोनाइल को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है इनटू रिस्पेक्टिव अल्केन. तो भैया बताइए क्या मैकेनिज्म रिक्वायर्ड है. बोलिए. देखिए SN1 लिखा है बेटा. चलो लिख लो यार मैकेनिज्म लिख लो है ना कुछ नहीं आ रहा. सबसे पहले जिंक अमलगम HCl दिया हुआ है. अब HCl में देखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है अपने पास में HCl का H कहां लगेगा कॉमन सी बात है ऑक्सीजन पे. इन दैट केस यहां पर क्या आएगा बोलिए पॉजिटिव चार्ज कैटायन. अरे बोलो सही है. यस यस सर कार्बो कैटायन. अब यार बात करें बच्चे अपन लोग यहां पर कि जिंक है जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन दे दिए इसे जेड एन विल कन्वर्ट इनटू जेड एन टू प्लस और यहां से इसे माइनस दो इलेक्ट्रॉन निकाल ली और ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन मैंने इसको दे. इन दैट केस क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बोनाइल. बोलो हाय ना कोई दिक्कत. नो सर. नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ एक्सेल फिर से यूज किया गया. क्या बनेगा बोलो सी एच ओ एच फिर अगेन एच प्लस एड किया गया. अब या तो जोड़ दो या हटा दो अल्टीमेटली इसको हटाना है बाय द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. एक स्टेप मैंने गायब कर दिया और यहां पर साक्षात लिख दिया क्या इट इज व्हाट कार्बो कैटायन. इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कार्बो कैटायन इंटरमीडिएट होता है ठीक है. और नेक्स्ट करना है आपको अगेन वही सेम कहानी जिंक दिया है ये दो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा एंड कन्वर्ट इनटू Zn2+ आयन. ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएंगे दैट बिकम्स व्हाट इट इज CH कैरी नेगेटिव चार्ज अगेन H प्लस से रिएक्ट कर लेगा और ये बनाएगा इट इज CH2. समझा क्या भैया. कार्बो कैटायन के बाद हम लोग सीधा H प्लस से नहीं करा सकते क्या. ना ना कार्बो कैटायन से H प्लस ऐड हो जाएगा दोनों इलेक्ट्रोफाइल. हाँ सर नहीं होगा नहीं. लिख लिया. यस सर. एक मिनट. हाँ जी सर. लिखना आप लोग. अब चूंकि कार्बो कैटायन है तो यहां पर CH3 लगा दिया और यहां पर CH3 लगा दिया तो कार्बो कैटायन की स्टेट ज्यादा होगी. बोलो है ना. मतलब जब कीटोन होगा तो दो दो क्या मिलेंगे आपको यहां पर तो दो अल्काइल पार्ट या फिर क्या कहेंगे मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड. इन दैट केस रिएक्टिविटी बिकम्स क्या होगा फास्ट. अरे बोलो है ना. जबकि एल्डिहाइड होगा तो एल्डिहाइड में एक ही साइड अल्काइल पार्ट होता दूसरी साइड क्या होता हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं होता. अरे बोलो है ना. तो एकमात्र रिएक्शन है जहां पर कीटोन ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड. तो लिखते ना आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन कीटोन की ज्यादा होगी as compared to aldehyde. Yeah. Yes.
डन यस यस सर चलो लिखो की पॉइंट सर एक पॉइंट में पहला पॉइंट लिखो बहुत महत्वपूर्ण है इफ अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल इफ अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल इज यूज देन अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल इज यूज देन फर्स्ट reduction of unsaturation take place then first reduction of unsaturation take place to maine bola hai like likha hai it is a what kya bolte is compound ko that is known as what crotonaldehyde iski alpha beta position par kya laga hai unsaturation तो यदि बात करें बच्चे अपन लोग पहले रिडक्शन किसका होगा तो पहले ये डबल बॉन्ड जाएगा उसके बाद कार्बोनाइल जाएगा भाई फिलहाल में तो दोनों ही जा रहे हैं इन दैट केस ये बनेगा ZN और ये हो गया इज अमलगम और ये लिख दिया मैंने HCl तो बेसिकली क्या बन जाएगा इट इज एन ब्यूटेन यस सर लिख लिया सर देन के बाद क्या था या देन फर्स्ट के बाद से था रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेशन टेक प्लेस लिख लिया एक्चुअली मेरा रेट ऑफ रिएक्शन के बाद से छोड़ गया था बता देंगे क्या लिखना है दो लाइन छोड़ दो बेटा है ना हां सर चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखना अल्कोहल are also be converted into respective halide using this method alcohols are also be converted into sir ye alpha beta unsaturated ka second point hai na ha ji alcohol also be converted into respective halide मतलब बात करें बच्चे अपन लोग आर ओ एच दिया है और यहां पर लिख दिया मैंने इट इज जिंक अमलगम प्लस HCl तो ये होगा RCl या फिर मैंने लिखा है इट इज डबल बॉन्ड को और यहां पर लगा है सपोज ओ एच बताइए क्या बनेगा बोलो सही है क्या डबल बॉन्ड सर अल्केन बन रहा था ना सर वहां पर भी कहा बोले OH हट के H लगता था सर क्यों केवल OH पे हम लोगों को हाईलाइट मिलता है बाकी पूरा अल्केन मिलता है हर जगह से क्या मेरे को अब तक तो अल्केन ही लगता था एक बार देख लो ठीक है देखता हूँ चलो आगे बढ़े क्या यस सर नेक्स्ट लिखा आपको चलो रिएक्शन तो बाद में करेंगे और कुछ लिखो देखना एसिटल एंड कीटल नेक्स्ट पॉइंट हाँ जी आर ऑल्सो बी रिड्यूस बाय दिस मेथड एसिटल एंड कीटल आर ऑल्सो बी रिड्यूस बाय दिस मेथड क्या होगा भैया कि एसिटल कीटल क्या होता है दे गेट हाइड्रोलाइज इन ओनली इन एसिडिक मीडियम तो यहाँ पे मीडियम क्या है आपका एसिडिक इस कारण से क्या होगा रेस्पेक्टिव कार्बोनाइल एंड अल्कोहल देंगे बोलो है ना क्या लिखा बोलो सर एक बार रिपीट कीजिए ना सेंटेंस एसिटल एंड कीटल आर ऑल्सो बी acetyl and ketyl are also be reduced by this method because in acidic medium acetyl and ketyl gave corresponding
कार्बोनाइल एंड अल्कोहल बिकॉज एसिटल एंड कीटल गेव करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड एंड कीटोन करस्पॉन्डिंग कार्बोनाइल एंड अल्कोहल. तो फॉर एग्जाम्पल यहां पर दिया हुआ है एक कीटोन, ये तो नॉर्मल है, और एक लिखा है इट इज ओ आर, यहां पर लिखा है ओ आर. तो बताइए इट इज एसिटल और कीटल, बोलो हाँ है ना, क्या होगा? कीटल. इट इज कीटल. सर आपने कहा था गिव करेस्पॉन्डिंग कार्बोनाइल एंड अल्कोहल, तो मैंने बोला कि यहां पे जिंक अमलगम प्लस HCl दिया, तो पहले तो इसको तोड़ देगा, और तोड़ देगा तो देन आफ्टर क्या होगा आपका रिडक्शन होगा, तो अंत में हम लोगों को जो मिलेगा दैट मस्ट बी साइक्लोहेक्सेन. अरे बोलो है ना अल्कोहल. चलो ड्रॉबैक ऑफ द रिएक्शन, एक मिनट पहले इफ ड्रॉबैक ना लिखा के अल्कोहल नहीं देगा क्या? अल्कोहल छोड़ो, अपन अल्कोहल तो मेन कार्बोनाइल है ना. हाँ सर लेकिन ड्रॉबैक लिखी है क्या? नहीं नहीं लिखा. चलो ड्रॉबैक ना लिख के नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं आपको, है ना, लिखना आप लोग. तो हाँ जी यहाँ जहाँ जहाँ OH लगा है वहाँ CL आ जाएगा ना. हाँ जी नेक्स्ट लिखो आप लोग फिनोलिक एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप अनअफेक्टेड बाय दिस मेथड. फिनोलिक एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर अनअफेक्टेड बाय दिस मेथड. मैंने तो फिनोलिक एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर अनअफेक्टेड बाय दिस मेथड. तो फॉर एग्जांपल यहां पर लगा है दैट इज अल्फा बीटा कीटो, और मैंने यूज कर लिया जिंक अमलगम प्लस HCl, तो बात करें एसिडिक ग्रुप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इन दैट केस क्या होगा दैट इज पेंटेनोइक सॉरी ब्यूटेनोइक एसिड. जी सर. चलो आगे बढ़े. चलिए ड्रॉ कर लेते हैं. तो लिखा हुआ है हाँ जी अनअफेक्टेड के बाद जो था सर बोल देना BHOH दैट इज दिस मेथड. इसका रिएक्शन कर रहा हूं विद CHCl3 दैट इज क्लोरोफॉर्म यूजिंग KOH. बोलो नाम क्या होगा इस रिएक्शन का? रिमर्टीमन. रिमर्टीमन बहुत बढ़िया. क्या बनेगा? सैलिसिलाइड जिंक अमलगम प्लस HCl यूज कर लिए, क्या होगा बोलो? अगले पॉइंट OH, और यहां पर क्या आएगा? CH3. तो फिनोलिक ग्रुप एज इट इज रखा है, दैट इज नोन एज व्हाट? इट इज क्रिसोल. हां ओ क्रिसोल. यस सही. नेक्स्ट पॉइंट था ना सर? यहां पे रिमर्टीमन कैसे आया? आया नहीं बेटा, है वो. ठीक है यहाँ पे दो प्लस दो नहीं करना आपने. सो OH की जगह CL आना चाहिए ना प्रोडक्ट में? दैट इज फिनोलिक ग्रुप नॉट अल्कोहल. अच्छा हाँ. जिधर सर वो कीटल है जिधर ओ आर, सर वो ओ आर की जगह CL नहीं आएगा? ओ आर आएगा तो वो तो अपना बाई प्रोडक्ट है, तो उसको अपन लिखे नहीं. RCl बन जाएगा वो दोनों. अच्छा हाँ ना. नाइट्रो ग्रुप आर ऑल्सो बी रिड्यूस बाय दिस रिएक्शन. नाइट्रो ग्रुप आर ऑल्सो बी रिड्यूस बाय दिस रिएक्शन.
By this reaction. चलो एक रिएक्शन कराओ भैया. It is CHO और ये लिखा है फॉर एग्जाम्पल इट इज NO2. मैं जल्दी ऐड कर नाइट्रेशन से मिलेगा. बोलो आए ना. यदि मैंने यहां पर जिंक अमलगम प्लस HCl कराया कंप्लीट रिएक्शन. चलो लिख लिया. टॉलीन क्या होगा. इट इज मेटा हाँ NH3 लगे NH2 लग जाएगा. क्या बोलिए इसको मेटा. टॉलीन अच्छा नाम नहीं पता. चलो आगे बढ़े. Yes, sir. देखो रिडक्शन अरे नेक्स्ट रिएक्शन ये नेक्स्ट पॉइंट है ना. रिडक्शन विद रिंग एक्सपेंशन क्लेमेंसन में नहीं है सर ये इसी में है. Key points reduction with ring expansion. ये मैं मतलब बड़े वाले केस ले रहा हूँ ना. सर ये reduction of carbonyl compound का ही part है ना. नहीं वही चल रहा है आपको clemension reduction ही चल रहा है ना. ठीक है. For example लिखा है it is C double bond OCS3. So that case में क्या होता है it is 1, 2, 3 right position होता है. Generally आपको NH ही मिलेगा. तो यहाँ पर देखे बच्चे आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम लोग रिडक्शन मतलब एक्सपेंशन करना आपको तो यहाँ पर देखिए अपन लोग नंबरिंग क्या होगा आपका. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये नाइट्रोजन इसके लोन पेयर को डोनेट करेगा और ये डोनेट करेगा. इन दैट केस ये हो गया 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया इट इज 4 हो गया देन 5 हो गया एंड दैट बिकम 6. ये 6 मेंबर रिंग बन जाएगी. अब नेक्स्ट क्या होगा आपका तो यहाँ पर देखते हैं अपन लोग. ये मैंने 6 मेंबर रिंग बना दी. इसमें छठवे नंबर पे लिखा है इट इज NH और नेक्स्ट मैंने बोला कि NH के जस्ट जुड़ा हुआ है इट इज सेकंड कार्बन. ये फर्स्ट कार्बन हो गया इट इज सर नाइट्रोजन के लोन पेयर नहीं देगा ना सर सेकंड कार्बन देता है ना सर हटके जोड़ता है सेकंड कार्बन हटके जोड़ता है ना सर फर्स्ट वाले से. एक सेकंड रुक जा यार. कुछ तो हुआ यार गड़बड़. एक काम करो लिख लिया क्या. हाँ सर. नहीं लिखा सर रुक गया था. नहीं लिखा है कोई दिक्कत नहीं. लिख लिया है तो कोई दिक्कत नहीं. यहाँ पर गोला बना दो यदि सही होगा तो देखेंगे नहीं तो इसको मैकेनिज्म के थ्रू मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा. ठीक है.
तो इसके लिए ऑलरेडी कम से कम 3 लाइन और छोड़ देना बात, लिख लिया। कम से कम 3 लाइन छोड़ दो, है ना। नहीं गलत है बेटा, है ना, वो एक्चुअल में सीएस की पोजीशन ऊपर आना चाहिए, इसलिए अभी फिलहाल मैं करेक्शन नहीं कर रहा हूँ। सर क्योंकि मेरे को लग रहा है कि एक बार रिंग एक्सपांशन होने से पहले वो रेजोनेंस के लिए सेकंड कार्बन पे आ जाएगा, इसलिए फिलहाल में ना करो, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। कि पोजीशन ऑफ CH3 क्या होगा, ऊपर पहुंच जाएगा, चलो आगे बढ़े क्या। लेना रिडक्शन ऑफ बीटा कीटो, बीटा डाई कीटो रिडक्शन यूजिंग बीटा डाई कीटो। चलो भैया याद ही कर सकते हो क्या, That is the final product. हो जाएगा? Yes, sir. सर और आगे करना चाहिए ना रिएक्शन को, तो मतलब प्रोसीड लिख लो बेटा। सर ये कैसे हुआ? हाँ यार सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, ये कैसे हो गया बता दो, छोड़ दो, मैं कैसे बताऊं? बता दो। यस अल्टीमेटली फिर से बोल रहा हूँ, कंपाउंड यही रहेगा आपका, क्वेश्चन भी यही रहेगा, आंसर भी यही रहेगा, रट्टा तो मानना ही है, डेट इज ट्रू, ठीक है। अब रट्टा मानने से पहले ही कहा मैं बता दे, लिखा हुआ एच प्लस का एडिशन। अब H प्लस का एडिशन तो भैया दोनों में करा दे रहा हूं, और यहां से मैंने बॉन्ड ब्रेक कर दी, यहां से बॉन्ड ब्रेक कर दे, कोई दिक्कत नहीं सर। तो भाई साहब यहां पर क्या हुआ, ये बन गया OH और ये बन गया OH, इन दैट केस यहां पर क्या आ गया कार्बोकैटाइन, यहां पर क्या आ गया कार्बोकैटाइन, कोई दिक्कत। अब जिंक से आते हैं दो इलेक्ट्रॉन, बोलो हाय ना, एक इलेक्ट्रॉन इसको, एक इलेक्ट्रॉन इसको, इन दैट केस क्या होगा, इट इज OH, इट इज OH, यहां पर एक फ्री रेडिकल, यहां पर बाई फ्री रेडिकल, बोलो हाय ना, तो बाई फ्री रेडिकल अंडरगोज विच रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इन दैट केस क्या होगा भैया, इट इज OH और यहां पे लगा दिया अपन ने, दैट इज दिस वन, कोई दिक्कत भैया। अजी बोलो अभी तक कोई दिक्कत? नो सर, नो सर। आगे बढ़ जाए। यस सर। अब बात करें बच्चे अपन लोग, यहां अल्कोहल जब आ रहा था तो यहां पे H प्लस का एडिशन होता था, किसको हटाना, फॉर एग्जांपल S को हटाना अपन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहां पर ये ऐड कर दिया, क्या बनेगा, इट इज OH2 पॉजिटिव चार्ज, ये OH अभी भी एज इट इज है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग, क्या कि बाय द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर रिमूव भी कर दो ज्यादा बेटर है, OH and that is carbocation, कोई दिक्कत? हाँ जी, देखते हैं कितना गंदा लग रहा है सर। अब यार ये बताओ,
डिग्री क्या है इस कार्बन की? रीअरेंज होगा? हाँ होगा। नहीं होगा ना? ओ सर। रीअरेंज होगा? बता रहे हैं आपको। बैकबॉन्ड। बैकबॉन्डिंग लेके आऊँगा? हाँ सर। अब बैकबॉन्डिंग के लिए देखें, तो मिथाइल जो होता है डेट इज अ लास्ट ऑप्शन, इसके अलावा जो होगा हो जाएगा। अरे बोलो है ना? हाँ सर। इन डेट क्या करेंगे? रिंग को तोड़ दो? तोड़ना पड़ेगा। ठीक है? यस सर। और बॉन्ड तोड़ दो। सर ये मैकेनिज्म नहीं था ना? हाँ जी। तो मैंने यहां से इस रिंग को कुछ ऐसे तोड़ा कि यहां पे बन गया डबल बॉन्ड, दिख रहा है आपको? हाँ सर। डेट बिकम्स क्या होगा? पॉलिप चार्ज। सी क्या होगा? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इट इज व्हाट, कुछ नहीं लिख रहा मैं, इट इज OH, इट इज पॉलिप चार्ज। यहाँ पर देखिए अपन लोग, ऐसा कुछ था ही नहीं, ये था ऐसा, देन ऐसा, देन ऐसा, और एक डबल बॉन्ड और आ गया। बोलो, थोड़ा सा सिस्टमाइज तरीके से लिख दिया? यस। बोलिए, कोई दिक्कत? तो नीचे का मिटा दो ना। सब बैकबॉन्डिंग नहीं समझ आई। बैकबॉन्डिंग मतलब रेजोनेंस बेटा ना, रेजोनेंस। इट इज लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज इन कंजुगेशन, है ना? तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन का टाइप है सर। वहां बनाना, देन आफ्टर ये क्या होगा? बैकबॉन्डिंग करा दिया अपन ने बाय द रिमूवल ऑफ एच प्लस हो गया। अब एच प्लस हो गया तो यहाँ पर जो फाइनल कंपाउंड मिला है हमें, दैट इज बेसिकली दिस वन। और इसमें देखिए अपन लोग, इट इज अल्फा बीटा कंडीशन दिए, तो फिर से मैंने बोला कि H प्लस का एडिशन करेंगे टू टाइम्स, फिर देन आफ्टर करेंगे जिंक वगैरह यूज करेंगे, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर दोबारा दो करेंगे, तो अल्टीमेटली ये भी रिड्यूस हो जाएगा और यहाँ पर ये कंपाउंड होगा फाइन। अब तुम फिर से रिडक्शन करा दोगे तो ये भी गायब हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल के इसके लिए देखे तो अपन लोग डेट इज अ फाइनल प्रोडक्ट। सर लास्ट थर्ड स्टेप से क्या क्या हुआ? क्या डबल बॉन्ड का रिएक्शन? यस सर। समझा क्या? अब समझा नहीं समझा डजंट मैटर, है ना? क्या करना अपन को इसको? विशाल सर इसको और आगे क्यों नहीं लेके जा रहे हम लोग? और आगे लेके जाओ, फिर से करा दो रिएक्शन तो हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर एंड है। अब तक खत्म ही नहीं हुआ क्या ये रिएक्शन? अब हो गई खत्म? एक और कराऊं? लिखो। तो OH क्यों टूटा बट? जी। लास्ट थर्ड स्टेप में सर OH क्यों बॉन्ड क्यों टूटा? बस लिया था H प्लस बना के एडेगा ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा तभी तो बैक बॉन्ड नहीं तो ये होता है। हाँ सर। लिखो नेक्स्ट, एक और रिएक्शन। रिडक्शन यूजिंग रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिडक्शन यूजिंग रिंग कॉन्ट्रैक्शन, ये थोड़े अलग अलग केस दिख रहे हैं आपको, कभी ना कभी मिल जाएंगे आपको, जो बड़े बड़े स्टैंडर्ड की किताब है उसमें मिल जाएंगे क्वेश्चन, है ना? इसलिए मैं करा रहा हूँ, अदरवाइज क्लीमेंशन नॉर्मल हो, सी डबल बॉन्डो को हटा के एच सी एच टू लगा दो। वही बढ़िया है सर। ठीक है, चलो तो बात करें भैया, अपन लोगों ने क्या बोला? It is again beta diketo, एक CH3 दो CH3 क्या होगा भैया? एक बच्चा बोला ये बनेगा जिंक अमलगम, जिंक अमलगम प्लस HCl। प्लस दिस वन कंपाउंड, बोलो हाय ना? अरे यही तो सीखे हो? Yes, sir. So that is what?
माइनर, ये क्या होगा बेटा, माइनर प्रोडक्ट होगा। तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, सिमिलर है क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट भी सेम है, सब कुछ सेम करना अपन। यहाँ पर ऑलरेडी रिंग है, इन दैट केस रिंग तोड़ोगे दूसरी रिंग बनाना पड़ेगी, छोटी रिंग होगी कॉन्ट्रैक्शन। तो बताइए इसके मैं कैसे बताऊं दोबारा से, नहीं अरे बोलो, फ्रेडिकल फ्रेडिकल पांच मेंबर रिंग, फिर उसको तोड़ोगे अपन लोग रीअरेंजमेंट करने के बाद, पांच मेंबर की सॉरी चार मेंबर सॉरी छह मेंबर की क्या हो जाएगा, पांच मेंबर आपने इसको अल्फा बीटा बोला ना, नहीं मैंने बीटा बीटा बोला है ना, तो बीटा किसके रिस्पेक्ट में, बीटा डाइकेट किसके, कौन से कार्बन के रिस्पेक्ट, किसी भी ले लो कार्बोनाइल कंपाउंड, ये जो भी कार्बन है आपके, पहला जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा होता है, उसके बाद बीटा पे दूसरा कीटो लगा। हां सर बताइए मैकेनिज्म कर रहा हूं मैं, छोड़ दो जैसे आप मैंने देख के सेम कांसेप्ट एवरीथिंग, अरे वो सेम कंडीशन हो गई नहीं, बस यहाँ पर क्या है अल्फा बीटा, मतलब यहाँ पर कंटिन्यूस दिया था आपको, और यहाँ पर क्या है बीटा डाइकीटो, तो बोलो करा दो क्या, यदि अभी बोल रहे तो करा सकता हूँ मैं, नहीं चाहिए सर। सर नहीं आया वाला समझ में, क्या सर वाला नहीं आया समझ में, इस रिएक्शन का क्वेश्चन क्या था याद है, यस सर, बता दूं क्या सर, सॉल्व कैसे करना है वो बता दूं, डील कैसे करना, बस ये देखना अप्रोच कैसे सीखना, सीख लो भैया फिर से। फर्स्ट ऑफ ऑल दुनिया भर की रामायण पढ़ने के बाद में हमें पता चला कि यहाँ पर क्या होगा, आप ये मैकेनिज्म बता रहे हो क्या जी, कोई दिक्कत, नो सर, कॉम्बिनेशन पहुंच गए अपन, फिर क्या कर दिया अपन, रिमूवल ऑफ H2 क्या बाई यूजिंग दिस वन, ये हट गया कार्बोकेटन बनाओ, कार्बोकेटन ओ एच, अब इस पॉजिटिव चार्ज को यहां पर लेके आना, बोलो क्या करूं, इस ओ एच वाला पोज कर दो, ओके हां बस बाकी फिर कहानी वही, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आके फिर अपन फिर से इसको रिड्यूस कर देंगे तो ये कार्बोनाइल बच जाएगा, तो पहले कार्बोनाइल रिड्यूस होता है कि पहले डबल बॉन्ड रिड्यूस होता है, ये बताओ आप, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो बस ये ध्यान रखना, ये बहुत स्पेशल केस होगा आपके, इतना नहीं पूछेंगे आपसे, हाँ यदि पूछ लिया तो आंसर पता होना चाहिए। पर एक कन्वर्जन हो जाए, यस सर, लिखा हो CL5 से कराओ, कंपाउंड ए बनेगा, कंपाउंड ए का रिएक्शन करा दो, AlCl3 से कंपाउंड बी बने, कंपाउंड बी का रिडक्शन कर दो यूजिंग जिंक अमलगम एंड HCl, कंपाउंड सी बनेगा, इसका नाम कहते हैं हम लोग दैट इज इंडीन,
सर यस सर सर लास्ट वाले रिएक्शन में माइनर मेजर से डिसाइड किया हमने बता रहे हैं रट्टा मान लो ज्यादा बेटर होगा ठीक है ना ठीक है नहीं पूछेंगे आपसे आपका दिन बहुत बुरा होगा तो पूछेंगे उसके लिए भी आंसर है ये वैसा वाला कंपाउंड नहीं बनेगा ये कब होगा ये पता चल लीजिए इट इज बीटा डाइकेटो कंडीशन ठीक है ना ओके सर तो ओपन चेन में भी करा दिया मैंने साइक्लिक में करा दिया दोनों में क्या होगा आपका कंटिन्यूस कार्बन चेन में क्या होता ब्रेक हुआ था एक कार्बन कम हो गया था एक्जेक्टली है ना वो कहां पहुंच गए थे ब्रांच में पांच कार्बन थे तो चार कार्बन बचे तो और एक ब्रांच में पहुंच गए तो यहाँ पर छह कार्बन है अब छह कार्बन से एक कम हो गए पांच कार्बन चेन बन गए क्या रुकी बन गई सर यस सर बोलो हो जाएगा सर वो इंडियन है ना हाँ जी इंडियन फॉर्मूला क्या होता है उसका मुझे भी नहीं पता यार है ना मैंने तो अभी कुछ टाइम पहले पढ़ाया था इंडियन 1 2 3 ट्राई ऑल ऑल्सो बी नोन एज Also been known as Nimhydride. अच्छा नहीं नहीं सही है तो ट्रायल कौन गया CH2 double bond O Cl ये हो गया आपका A बोलो मानते हो नहीं मानते हाँ सर चलो मान लिया तो अच्छी बात है AlCl3 लगेगा फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन तो यहाँ का H और यहाँ का Cl गायब और ये आपस में जुड़ जाएंगे ये हो गया एक दो तीन चार पांच और ये हो गया एक कोई दिक्कत क्या बनेगा कंपाउंड दिस वन एक अमल गम लगा दिया HCl रिडक्शन होगा ये गायब हो जाएगा और बन जाएगा क्या इट इज इंडेन है याद क्या नहीं सर सर पहला वाला रीजेंट कौन सा है पहले वाले जो है जिसमें ए बन रहा है उसमें रिएजेंट कौन सा है क्या बोला सर आपने BCl5 एक और करोगे जैसी आपकी इच्छा सर अच्छी रिएक्शन है इसलिए बता रहा हूँ PH C double bond O CH2 चलो मेरे साथ में करो ना COOH इसका रिडक्शन कर दिया यूजिंग जिंक अमलगम प्लस HCl बोलो कौन कौन जाएंगे कार्बन बॉन्ड ये भी जाएगा क्या नहीं नहीं जाएगा नहीं सर इट इज PH इतने रामायण क्यों लिख रहा हूं ये बना दिया अपन ने बेंजीन एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन चौथा कार्बन डबल बॉन्ड और ये लगा दिया मैंने इट इज OH बोलो एक दो तीन डबल बॉन्ड ओ इट इज ओ कोई दिक्कत नो सर कोई दिक्कत अब रिएक्शन करा दी मैंने विद SOCl2 दैट इज डार्जन रिएक्शन OH की जगह क्या आएगा Cl और दूसरे स्टेप में मैंने करा दिया दैट इज AlCl3 से रिएक्शन दैट इज फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन भी लग गया तो बेसिकली एक दो तीन चार पांच और ये जुड़ेगा किससे ऐसे जुड़ेगा इन दैट केस 6 कोई दिक्कत कोई दिक्कत जिंक अमलगम प्लस HCl नए नए कैटलिस्ट यूज कर रहा हूं मैं थोड़ा ध्यान से
यूज किया सेलेनियम। सेलेनियम का काम क्या होता है, एरोमेटिसिटी प्रोवाइड करता है, मतलब रिंग में एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड आ रहा है तो बाकी डबल बॉन्ड खुद बना देगा और ये बना देगा क्या, नेफ्थलीन। सेलेनियम का पता होना चाहिए क्या करता है, चलिए आगे बढ़े क्या, एक मिनट सर। रफ कर दूं क्या, अब ये कैटेगरी जो होती है इसके बेस पे क्या होता है, एक तो ब्रिटल ग्राफ रिएक्शंस और दूसरा होगा क्रेमेंशन रिएक्शन। इस कैटेगरी में क्या होता है, बहुत सारी रिएक्शन आती कन्वर्जन के बेस पे, तो भैया थोड़ा सा ध्यान से है ना। नाउ नेक्स्ट है, नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज बल्क रिडक्शन। डिमेंशन के बाद ना जी वुल्फ्स रिडक्शन, ये की पॉइंट में अलग टॉपिक है जी, ये पॉइंट में का ये अलग टॉपिक नहीं बेटा, नई रिएक्शन है वो एक रिडक्शन। तेरे वुल्फ रिडक्शन में बात करूं भैया अपन लोग, पहली बात तो बताओ मैकेनिज्म बताऊं कि नहीं, तो अल्टीमेटली कांसेप्ट बस एक ही बोलूंगा मैं कि हमें इंटरमीडिएट पता चलना है तो कहानी खत्म हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर हमारा HCl लगा था, दैट इज एसिड, तो अल्टीमेटली हमारा कौन सा आयन बना था, दैट इज कार्बोकैटायन। और वुल्फ रिएक्शन में क्या होता है आपका, कार्बेनायन इंटरमीडिएट होता है, कार्बेनायन होगा तो एल्डिहाइड और कीटोन में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा बोलो, कीटोन में दो अल्काइल है एल्डिहाइड में एक ही अल्काइल है, ज्यादा फिर कौन डालेगा, कीटोन डालेगा, ज्यादा अफेक्ट मतलब डिस्टेबलाइज कर रहा ना उसको। हाँ इन दैट केस रिएक्टिविटी क्या होगी, एल्डिहाइड की ज्यादा होगी। हाँ सर कीटोन, तो लिखना आप लोग वुल्फ रिडक्शन और लिख देना ब्रैकेट में 1 डिग्री अल्कोहल, ये अल्कोहल नहीं छोड़ेगा पीछा, क्या करता है एलिमिनेशन देता है, बाकी कोई अल्कोहल को ये नहीं छेड़ता, मतलब इट इज जस्ट लाइक व्हाट, नहीं E2 नहीं बोलूंगा, E2 में क्या 3 डिग्री तो आती है, लिख दिया ने 1 डिग्री अल्कोहल के हल क्या देता है एलिमिनेशन, बाकी और किसी अल्कोहल को परेशान नहीं करेगा 2 डिग्री 3 डिग्री। सर जी बोलिए मैडम। सर मेरा नेटवर्क इश्यू का बताएंगे अभी क्या लिखना है, वुल्फ रिडक्शन लिख लो सामने लिखा हुआ है, क्या होगा ये हाइड्रोजन दैट इज N2H4, अब हाइड्रोजन के साथ में आपको यूज करना है अल्कली, अल्कली में चाहो तो आप यूज कर लो KOH या फिर यूज कर लो आप सिंपल OH- या फिर यूज कर लो इट इज OR-, सारे के सारे क्या है आपके स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, तो यहां पर भी क्या होगा सी डबल बॉन्ड ओ गेट रिड्यूस इनटू CH2, लिख लिया। अरे बोलो, तो लिखा है इट इज पी डबल बॉन्ड, इट इज पीएच, नाम क्या होगा, इट इज बेंजोफिनोन,
यहाँ पर लिख दिया इट इज वुल्फ। अरे वुल्फ रिडक्शन लिख दिया मैंने, वुल्फ किसना रहा है ना। हाँ सर सॉरी यार है ना वो वुल्फ किसना रिडक्शन बोल देना। N2H4OH-, बोलो क्या होगा भैया? ऐसा कोई IUPAC बताएगा? डाइफिनाइल मीथेन? नहीं नहीं मिथाइल फिनाइल बेंजीन। और बच्चे सही बोला दोस्तों, डाइफिनाइल मीथेन। नहीं रुको रुको रेट ऑफ रिएक्शन एल्डिहाइड ज्यादा कीटोन कम। सो हाँ जी इसमें एल्डिहाइड ज्यादा स्टेबल होगा और कीटोन रिएक्टिव है ना। हाँ जी लेकिन एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन है ना। और ये N3H4 है ना? हाँ जी। इसका नाम क्या है? N2H4 है ना सर? N2H4 ही लिखा बेटा। नहीं उसने N3 बोला आपने हाँ बोल दिया। अरे मैं कुछ और सुन रहा था, मैं एक्चुअली यहाँ पे बोल रहा था इट इज N2H4 हाइड्रोजन है ना। हाँ वही मैंने बोला N3H4 क्या होता है। ठीक है ना ब्रैकेट में नेक्स्ट लिख देना कार्बेनाइन इंटरमीडिएट। कहाँ पे कार बनाए इंटरमीडिएट कहीं पे भी लिख दो यार पॉइंट बनाना के लिख लिया। लिखना कैन बी रिड्यूस टू हाई मोलर मास कंपाउंड। कैन बी रिड्यूस हाई मोलर मास कंपाउंड। नया क्या बोली बेटा? कैन बी यूज टू रिड्यूस हाई मोलर मास कंपाउंड लाइक पॉलीमर एंड बायोमोलिक्यूल। मोलर मास कंपाउंड, मोलर मास कंपाउंड, हाई मोलर मास कंपाउंड लाइक पॉलीमर एंड बायोमोलिक्यूल। तो क्लीमेंशन क्या करता है? बड़े बड़े कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल नहीं होते, छोटे छोटे के लिए एप्लीकेबल हो। लिख लिया। As well as acid sensitive compound, as well as acid sensitive compound, लिख लिए as well as के बाद as well as acid sensitive compound, सर ये नोट पॉइंट था क्या? ये पॉइंट था, की पॉइंट बोल सकते हो और भी कुछ बोल सकते हो। क्या होगा जब ये कंपाउंड गेट रिड्यूस यूजिंग N2H4 एंड अल्कली बना पाओगे कंपाउंड क्या बनेगा? तो फिलहाल में मैं कुछ नहीं बोल रहा, यहाँ पे कुछ नहीं लगा। That is this one. So, do you know the name of the compound? क्या बोलते इसको? Camphor. हम सुने क्या? Yes, sir. Camphane. No difference. Camphor sublime होता है ना? हाँ, sir. सर दोनों के इसमें जो अंदर कार्बन है रिंग के अंदर वो सेम ही है ना? तो आपने एक में टेढ़ा बनाया है, एक में ऐसा बनाओ टेढ़ा बनाओ सीधा बनाओ ये तो हाँ बस वही ना बस हाँ हाँ मैं कंफर्म कर रहा हूँ ऐसा बनाओ ऐसा बनाओ लेकिन आप लोग नॉट सोडियम फॉर द एक मिनट हो जाएगा हेलो कैम फोन है ना दूसरा वाला। हाँ जी पहला कैम फॉर है दूसरा है कैम फेन।
चलो यार तुम लोग की नेक्स्ट क्लास भी है कि बस ये आखिरी क्लास है? नेक्स्ट है मैथ्स। बोलो आगे का लिखाऊं कि छोड़ दूं? कल लिखा दीजिए।